नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण और आप देख रहे हैं एनबीटी उत्तर प्रदेश। दिल्ली के साथ ही एक आंदोलन झांसी में भी चल रहा था, हालांकि कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही इनके कुछ स्थानीय मुद्दे भी थे। हमारे साथ इस समय किसान नेता हैं, किसान हैं। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लिए हैं उसको लेकर हम इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विधवा जी। विधवा जी, आपका पहला रिएक्शन क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ और उन किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जिन्होंने एक साल में लगभग 900 किसानों ने जो वहाँ शहादत दी है, जो शहीद हुए हैं, उन किसानों को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। उन किसानों को मैं बधाई देना चाहता हूँ जो एक साल से वहाँ संघर्षशील हैं। मैं अपने यहाँ 3.5 महीने से संघर्ष जो आंदोलन चल रहा है, इन किसानों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी यह ताकत की जीत हुई है। ये हमें कोई भीख नहीं मिली है। ये अगर मोदी जी इतने चिंतित थे तो अगर ये 1-2 महीने आंदोलन के बाद भी अगर हमारी मांगें मान लेते तो आज 900 किसान हमारे घर पे होते। हम लोगों की जो खेत खलिहानों में जो काम करने का टाइम था उसमें हम आंदोलनों पे में जमे रहे। आंदोलनों में हमें जो गर्मी, बरसात और ठंड का की जो सामना करना पड़ा, हमें वो नहीं झेलना पड़ता। जो व्यंग बाण, जो तीर हम लोगों के ऊपर चलाए गए, हम लोगों को विदेशी कहा गया, हम लोगों को आंदोलन जी भी कहा गया, फंडिंग बाहर से हो रही है, ये सब नहीं ना अगर होता तो मैं दिल से मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता। लेकिन फिर भी मैं पीछे की बातों में नहीं जाना चाहता। मैं प्रधानमंत्री जी का झांसी आ रहे हैं और आज हमारे यहाँ बहुत बड़ा दिन है, लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है हमारे यहाँ। तो इस मौके पर, इस खुशी में हम लोगों की जो खुशी दोगुनी और चौगुनी हो गई है, लेकिन अभी हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई हैं। जो हमारे यहाँ की मुख्य मांग है बुंदेलखंड राज्य, वो भी हमें मैं मांगता हूँ प्रधानमंत्री जी से। और जिन लोकल मुद्दों के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन मुद्दों की भी सुनवाई, 3.5 महीने से हम लोग झांसी बुंदेलखंड में बैठे हुए हैं। तो एक मांग आधा तो लड़ाई जीत गए हम लोग, लेकिन आधी लड़ाई अभी बाकी है। और ये सिद्ध हो गया है कि हम लोग अब आश्वासन पर नहीं जाएंगे, हम लोग अब यहाँ से भगाए हुए नहीं जाएंगे, हम लोग भागेंगे नहीं, हम लोग अपनी जब मांगें पूरी हो जाएंगी अब हम तभी जाएंगे यहाँ से जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और भी हमारे साथ कुछ किसान हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू बाल है। पप्पू बाल। पप्पू जी, ये बताइए आज मोदी जी ने जिस तरह से कानून वापस लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून जो वापस लिए तो हैं लेकिन किसान को बहुत पीड़ित, किसान एक अन्नदाता है और किसानों की अगर इस प्रकार से अगर रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहते हैं नहीं तो बहुत कुछ किसान कहाँ जाएगा। इस देश का है, इस बुंदेलखंड का है। तो हमारी यही योगी और मोदी सभी सरकार से निवेदन है कि आप दो नुगली दिखाकर मेरे यहाँ बुंदेलखंड वीरी भूमि में आए हैं तो पहला बुंदेलखंड, दूसरा किसान, दो उंगलियों। मेरा उत्तर यही है कि किसान जब तक बोनी होगा, मतलब किसान जब तक अपने मनोबल किसानी में खेती की देखभाल नहीं कर पा रहा, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, ऐसे आंदोलनरत 3.5 महीना से मैं यहाँ झांसी जनपद में बैठा हूँ। कोई आज तक ना कोई अधिकारी से लेके ना कोई यहाँ ये नहीं सुनने नहीं आया कि आप यहाँ भूखे बैठे या यहाँ कैसे बैठे। ये आधार कार्ड जब चलाए हैं तो उनकी आधार कार्ड देखिए, कोई ऐसे तो फिर नहीं रहे जैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक गौशालाओं की तरह हम लोग आदमियों की पोजिशन। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिदास है। हरिदास जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर हमारे जो आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं उसके लिए मैं आभार व्यक्त करते हैं, हमारे सभी किसानों की तरफ से वंदन अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान की तरफ से जो हमारे सारे किसान बैठे हुए हैं, तब तक की जब तक संसद में जाके जैसे 3 कानून बिल जो चालू किए थे, जैसे कि संसद में जाके तब इसका संसद में जाके जब लिख के ना देंगे तब तक हम मान नहीं करेंगे। फिर भी हम अपनी सभी किसानों की तरफ से, हम अपनी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री की मैं आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बुंदेलखंड के किसान जिन्होंने अपनी बात कही है। दिल्ली का आंदोलन खत्म होगा या नहीं होगा अलग की बात है, लेकिन इन किसानों का आंदोलन तो फिलहाल जारी रहना है। झांसी से मैं लक्ष्मी नारायण।